एडीजी जोन अखिल कुमार के निर्देश पर गुरुवार को जोन के सभी पुलिस लाइन परिसर एवं थाना परिसर में बरगद के वृक्ष का रोपण किया गया। गौरतलब है कि वट सावित्री पूजा के मद्देनजर एडीजी जोन अखिल कुमार ने सभी पुलिस लाइन और थानों पर बरगद के वृक्ष लगाने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत गुरुवार को पुलिस लाइन परिसर में SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने बरगद के वृक्ष लगाकर शुद्ध पर्यावरण का संदेश दिया। इसके अलावा जनपद के सभी थानों पर वट वृक्ष लगाए गए। इसके संबंध में SP सिटी सोनम कुमार और SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने कहा कि इन दिनों वृक्षारोपण का दौर चल रहा है और वट सावित्री त्योहार के मद्देनजर पुलिस लाइन परिसर में बरगद का वृक्ष लगाया गया है। बरगद के वृक्ष से जहां शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है, वहीं छायादार वृक्ष होने के कारण लोगों को धूप से भी छाया मिलती है। इस दौरान रिजर्व पुलिस लाइन के RI उमेश कुमार दुबे, कांस्टेबल सुभाष कुमार भारती सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम और SP सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये वृक्षारोपण का माह ही चल रहा है और इसी कड़ी में आज वट सावित्री भी है, तो आज पुलिस लाइन परिसर में वट वृक्ष भी रोपित किए गए, जिससे कि पर्यावरण के साथ साथ जो है जो हमारी पुलिस लाइन की सुंदरता है वो भी बढ़े और फलदार एवं छायादार जो है वृक्ष भी यहाँ रोपण हो और साथ ही साथ हमारा पर्यावरण भी संरक्षित हो। ये पर्यावरण सुरक्षा और साथ ही साथ परंपरा के दृष्टिगत कई चौकियों थानों पर पुलिस लाइन में भी वट वृक्ष का वृक्षारोपण किया गया और भविष्य में भी ऐसे अभियान चलाए जाते रहेंगे और काफ़ी अच्छा इसमें सबका सहयोग रहा है पुलिस वालों को और जनता से भी अनुरोध है कि अपने स्तर पर भी वृक्ष लगाएं, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और हम सबके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।